कॉन्वोकेशन में 162 डिग्रियां और 108 गोल्ड मेडल हासिल करने वालों में एक तालिबा इस दुनिया में नहीं रही। तालिबा के वालिदैन ने नम आंखों और गमजदा दिल के साथ गोल्ड मेडल वसूल किया। कॉन्वोकेशन के अफसरदा पहलू के बारे में बता रहे हैं पेशावर से निशांता ताहिर। किसी भी इदारे के कन्वोकेशन में अक्सर वालिदैन के अपने बच्चों को डिग्री या गोल्ड मेडल वसूल करते देखकर खुशी के आंसू निकल आते हैं, लेकिन पिशावर के खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री के कन्वोकेशन में गोल्ड मेडल पाने वाली एक तालिबा के वालिदैन के रंज व गम के आंसू निकल आए, क्योंकि 4 गोल्ड मेडल्स की हकदार पलवशा अब इस दुनिया में नहीं रही। हमारी पहली औलाद हमारी बेटी थी और वो भी पलवशा जैसी बेटी अल्लाह ने हमें दी और थैंक यू पोशा फॉर मेकिंग अस सो प्राउड। ये सब मेरे बच्चों जैसे हैं, लॉट्स ऑफ लव फॉर देम एंड माय प्रेयर्स एंड आई विश देम अ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस फ्यूचर। वालिदैन का कहना था कि पलवशा इफ्जाल उनकी इकलौती बेटी थी। केसीडी के कन्वोकेशन में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 162 तलबा को डिग्रियां और 108 तलबा को गोल्ड मेडल दिए। डेंटिस्ट बनने पर तलबा खुश दिखाई दिए। ना सिर्फ मैंने स्टडीज में बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज में भी हमेशा पार्ट लिया है, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट हर किसी को कि सिर्फ पढ़ाई में ना लगे रहें बल्कि और चीजों में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत चीजें जो हैं वो मैटर करती हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि डिग्री तभी कीमती होगी जब तलबा अपने औसाफ में तब्दीली लाएंगे। इलम और हुनर ही आज की दुनिया में तरक्की का जीना है। कैमरामैन नियाज अली के साथ जीशान का खेल, 92 न्यूज़, पिशावर।